अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जनाब बाबू भाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। बच्चों, अब सभी को पता है कि अब हमारी हिंदी की परीक्षा आने वाली है, तो आज से हम उस परीक्षा के लिए पुनरावर्तन करेंगे। इस परीक्षा में हमारे इकाई 1 से 4 है, तो आज से हम इकाई 1 से 4 का पुनरावर्तन करेंगे, जो आपको अच्छे से ध्यान देना है और सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में लिखना है, और साथ साथ क्या करना है, साथ साथ याद भी करना है, क्योंकि अब ये हमारी परीक्षा की तैयारी होगी। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ध्यान दीजिए, जो हमारी स्वाध्याय पोथी का पन्ना नंबर 7 पर है। कहाँ पर है हमारी स्वाध्याय पोथी का पन्ना नंबर 7? चलिए ध्यान दीजिए। नंबर 1, चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। तो हमने जब पहली इकाई देखी थी, तो उस चित्र के हिसाब से कौन कौन से फूल है, देखिए चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल है। नंबर 2, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए, यानी कि यहाँ जो चित्र के फूल है उसके अलावा के दूसरे फूलों के नाम लिखने हैं, कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रातरानी, सूरजमुखी आदि फूलों के चित्र सूची में नहीं है। नंबर 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए, साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि। नंबर 4, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है, यानी कि यहाँ जो यातायात के नाम दिए गए हैं उसके अलावा के, तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं है। आगे देखिए ये प्रश्नों के उत्तर हमारी स्वाध्याय पोथी के पन्ना नंबर 8 पर है। कहाँ है? पन्ना नंबर 8 पर। देखिए नंबर 1, आपने कौन कौन से फूल देखे हैं, यानी हमने कौन कौन से फूल देखे, तो हम क्या लिखेंगे, मैंने गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूरजमुखी के फूल देखे हैं। सवाल नंबर 2, फूल किस किस रंग के होते हैं? फूल सफेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि विविध रंग के होते हैं। नंबर 3, हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। नंबर 4, आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं, आप यानी हम? मैं बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, मोटर गाड़ी, नौका और हवाई जहाज में बैठना पसंद करती हूँ। नंबर 5, आपको फूल क्यों पसंद है, यानी हमें क्यों फूल पसंद है? मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होता है, वह हमेशा सुगंध देता है। नंबर 6, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल की माला बनती है, फूल देव के सिर पर चढ़ता है और स्त्रियों की वेणी में भी लगता है।
आगे देखिए। अब यह प्रश्नों के उत्तर हमारी स्वाध्याय पोथी के पन्ना नंबर 20 पर दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न एक, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। नंबर दो, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नंबर तीन, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। नंबर चार, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ, यानी कि हम क्या बनना चाहते हैं। अगर आप कुछ और बनना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। नंबर पाँच, क्यों बनना चाहते हैं? बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहती हूँ, जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। आगे, यह प्रश्नों के उत्तर हमारी स्वाध्याय पोथी के पन्ना नंबर 26 पर दिए गए हैं। नंबर एक, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। प्रश्न नंबर दो, चरवाहा क्या कर रहे हैं? चरवाहे अपनी गायें लेकर चराने जा रहे हैं। चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? चित्र में नारियल के दो पेड़ हैं। आगे, नंबर चार, चित्र में कितने घर हैं? चित्र में पांच घर हैं। नंबर पांच, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। नंबर छः, चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। आगे देखिए, यह प्रश्न के उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर एक, चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कौन आया? चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कोई नहीं आया। नंबर दो, चरवाहे को नुकसान क्यों झेलना पड़ा? चरवाहे को अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। नंबर तीन, बच्चे द्वारा धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? नन्हा राही के धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। नंबर चार, नन्हा राही कहाँ दम लेगा? नन्हा राही मंजिल पाने पर दम लेगा। हमारे प्रश्नों के उत्तर यहीं पे पूर्ण होते हैं। अब हम आगे निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। अब हम अनुवाद देखेंगे। देखिए, नंबर एक, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, जिसका गुजराती अनुवाद है, कमल आपणू राष्ट्रीय फूल छे। नंबर दो, मधुमक्खियां फूल पर बैठती है, अनुवाद, मधुमक्खियों फूल पर बैसे छे। नंबर तीन, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, अनुवाद, मने बड़द गाड़ा में बैसवू गमे छे। नंबर चार, ऑटो रिक्शा के तीन पहिए होते हैं, जिसका अनुवाद है, ऑटो रिक्शा ने त्रण पैंडा होय छे। नंबर पाँच, मुझे हिंदी बोलने में मजा आया, जिसका अनुवाद है, मने हिंदी बोलवा मां मजा आवी। मैंने बस का टिकट लिया, अनुवाद,
मैं बस ने टिकट ले दी। आगे मैंने आम खाया है, जिसका अनुवाद है मैं केरी खादी चे। आगे देखिए, यह अनुवाद हमारी स्वाध्याय पोथी के पन्ना नंबर 22 पर है। देखिए, नंबर 1, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, जिसका अनुवाद है हूँ मोटो थईने देश नो आधार बनीश। नंबर 2, यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, जिसका अनुवाद है अही लीला लीला खेतरो लहराशे। नंबर 3, मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, जिसका अनुवाद है हूँ दुनिया नी आंखों नो तारो बनिश। मेरा देश शांति की नगरी है, अनुवाद मारो देश शांति नी नगरी छे। नंबर 5, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, जिसका अनुवाद है हूँ बधाने प्रेम नो व्यवहार सिखविश। हमारा यह अनुवाद भी यहीं पे पूर्ण होता है। यानी आज हमने पुनरावर्तन में जो प्रश्नों के उत्तर और जो अनुवाद देखा, वो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़नी का ध्यान रखते हुए एक बार हिंदी की कॉपी में लिखना है और साथ साथ उसे याद भी करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि ये हमारी आने वाली परीक्षा की तैयारी होगी। धन्यवाद।